मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ था? तो ये बिजनौर जनपद में हुआ था मध्य गंगा नहर का निर्माण। नेक्स्ट हमारा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1840 से 1854 ईस्वी के बीच हुआ था ऊपरी गंगा नहर का निर्माण। नेक्स्ट हमारा वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो ये गोमती और घाघरा दोआब क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सन 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस जिले में स्थित है? तो ये रायबरेली जिले में स्थित है सबसे अधिक नहरें। प्रश्न है, भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा करता है? तो लघु एवं वृहद परियोजनाएं करती है सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। नेक्स्ट हमारा भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये दिनशा जे दस्तूर द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट हमारा कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें तृतीय स्थान है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ये पश्चिमी हिस्सा है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने से संबंधित समझौता हुआ है? तो ये केन और बेतवा नदी को जोड़ने से संबंधित समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य। नेक्स्ट हमारा सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट हमारा केन नदी किस जनपद में यमुना में मिल जाती है? तो ये बांदा जनपद में मिलती है। नेक्स्ट हमारा बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये टोस नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है? तो ये हमीरपुर जनपद में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है? तो ये इटावा जनपद के पास मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल है उद्गम स्थल गंडक नदी का। नेक्स्ट हमारा गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये पीलीभीत है गोमती नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट हमारा कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोरखपुर जनपद है जो कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है।